जय हिंद माता दी बंधु, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के इस बहुत ही खास वीडियो में, जो कि बनाया गया है मीन राशि के लिए दिसंबर 2020 के लिए। बंधु, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे और आप लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी लगातार तरक्की करते रहें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हों, आप उन्नति के पथ पर बढ़ते रहें। बंधुओं, दिसंबर 2020 का आखिरी महीना है और एक महीने बाद 2021 लगने वाला है। नई उमंगें आएंगी, नए सपने आएंगे, नए टारगेट्स होंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन उससे पहले हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दिसंबर 2020 में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक बहुत ध्यान से ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक भी दिखाई दे रही होगी, आप उस पर भी ज़रूर क्लिक करें और हमारे उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्ञान ज़रूर मिलेगा। राशिफल की अंतिम राशि यानी मीन राशि के जातकों का द्वितीय, नवम और दशम भाव इस माह सक्रिय अवस्था में रहेगा। द्वितीय भाव से हम आपकी वाणी और धन के बारे में विचार करते हैं, वहीं नवम भाव धर्म और भाग्य का भाव होता है। दशम भाव से कर्म के बारे में विचार किया जाता है। इस माह आपको इन भावों के गुणों के अनुसार ही फलों की प्राप्ति होगी। इस माह मीन राशि के जातकों की छवि उनके सीनियर्स के सामने सुधर सकती है। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो उसमें भी सुधार होने के पूरे चांस हैं। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो इस महीने आंखों का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। वहीं पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस माह मीन राशि के जातकों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे फल प्राप्त होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। अगर आप अपनी कंपनी में किसी काम से किसी जगह गए हुए हैं तो वहां आपको कुछ दिन और रुकना पड़ सकता है या अचानक आपको कहीं जाने के आदेश वरिष्ठों द्वारा दिए जा सकते हैं। आपको अपने प्रोफेशनल जीवन में अपने निजी मामलों को नहीं लाना चाहिए, इसकी वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अपने काम के प्रति एकाग्र रहें, तभी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि के कुछ लोगों की छवि उनके बॉस की नजरों में सुधर सकती है, जिसके कारण आपको भविष्य में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिल सकता है। आपके जिस प्रोजेक्ट को गलत बताकर पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, उस पर फिर से विचार किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर आपने काफी मेहनत की थी। खुद को सही सिद्ध करने के लिए इस दौरान कमर कस लें। इस राशि के कारोबारियों को इस माह कारोबार में अच्छा मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है, जिसकी वजह से आप भविष्य के लिए भी अच्छी योजनाएं बना पाएंगे। बताते हैं आपको आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो इस माह आप बचत कर पाने में सक्षम होंगे। अगर आपने बीते समय में निवेश किया था तो इस माह आपको उससे भी फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से सेल पर चल रही थी तो उसकी अच्छी डील हो सकती है और इससे आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। इस डील से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। अगर किसी सरकारी खाते से आपका धन अटका हुआ था तो वह भी इस माह आपको मिल सकता है। अगर आप अपना काम शुरू करने के बारे में सोच रहे थे तो आपके पिता के द्वारा इस समय आपकी मदद की जा सकती है। पिता की मदद आपके लिए कारगर साबित होगी और आप अपना काम शुरू कर पाने में सक्षम होंगे। आपके फैमिली मेंबर में से किसी की अच्छी जॉब लग सकती है या कोई अपना काम शुरू कर सकता है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस राशि के जो जातक अब तक बेरोजगार हैं, उन्हें जॉब मिलने की संभावना भी है। हालांकि आपको अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। बताते हैं आपको स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य जीवन में सुधार करने की आपको इस माह जरूरत है। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। आपको इस महीने अपनी आंखों, छाती और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अपनी आंखों को आराम देने के लिए आपको मोबाइल और कंप्यूटर जैसी चीजों से दूरी बनानी चाहिए।
सुबह उठकर पानी से अपनी आंखों को धोना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पेट की समस्याओं से बचने के लिए आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। तले भुने खाने से इस माह दूरी बनाकर रखें। तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। आपको ऐसी चीजों से भी दूर रहने की जरूरत है जिसकी वजह से आपको त्वचा संबंधी परेशानियां होती हैं। अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए योग का अभ्यास करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बताते हैं आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए यह माह काफी अच्छा रहने वाला है। इस माह आपको अपने प्रेमी के साथ समय बिताने का काफी मौका मिलेगा। इस राशि के जो जातक अपने लवमेट से शादी करना चाहते हैं, वो अपने घर वालों से इस संबंध में बात कर सकते हैं और आपके घर वाले आपकी राशि के लिए हामी, शादी के लिए आपकी हामी भर सकते हैं। वहीं इस राशि के प्रेम में पड़े कुछ जातक कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे उनके संगी को परेशानियां हो सकती हैं। आपको हमारी यही सलाह रहेगी कि प्रेम के रिश्ते में अहम को पीछे रखें। अगर आप हर बात पर अपनी ही राय को सही मानेंगे तो रिश्ता खराब हो सकता है। शादीशुदा लोगों की बात की जाए तो इस माह अपने जीवन साथी से तो उनकी अच्छी बनेगी ही, साथ ही जीवन साथी के परिवार वालों से भी वो अच्छा व्यवहार करेंगे। आपकी मीठी मीठी बातें आपके जीवन साथी को आपकी ओर आकर्षित करेंगी। जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं, इस माह वो अपने प्रेमी से भावनात्मक रूप से बहुत करीब होंगे। आप अपने साथी को खुश करने के लिए पूरी कोशिशें इस माह करेंगे। बताते हैं आपको आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति इस माह होगी। आपके माता पिता के संबंध इस माह सुधर सकते हैं। उनके बीच का सामंजस्य आपके पारिवारिक वातावरण को भी खुशहाल बना देगा। अगर आपकी माता ने कोई नया काम शुरू किया था तो उससे अब मुनाफा हो सकता है। इससे आपकी माता के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। घर की अच्छी स्थिति को देखते हुए आप भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं और इन योजनाओं में आपका जोड़ीदार भी आपके साथ शामिल होगा। जोड़ीदार के साथ मिलकर आप भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो उसमें आपके रिश्तेदार आपकी दिल खोलकर मदद कर सकते हैं। इससे परिवार के सब लोगों को एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका भी मिलेगा। इस माह आपके घर के किसी सदस्य को स्वास्थ्य जुड़ी कोई समस्या हो सकती है जिसकी वजह से आप भी परेशान हो सकते हैं। अपने आप को सही मानसिक स्थिति में बनाए रखने के लिए आपको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्योदय के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 1008 बार जरूर करें। तो बंधुओं, ये था वीडियो दिसंबर माह के लिए, दिसंबर 2020 के लिए मीन राशि के लिए। जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।